अगर हम चर्चा करें इसमें 87-13 का, तो क्या होता है 87-13? ठीक है, क्या है 87-13, इसके लाभ और नुकसान, लाभ हुआ नुकसान क्या है, चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखेंगे हमारे प्रदेश की बात करें तो अगर हम एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन की बात करें तो एसटी का हमारा रिजर्वेशन है 20% बेटा, एससी का रिजर्वेशन बेटा कितना है 16%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हमारा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना जुड़ गया इसमें, 10% जुड़ गया। अब चर्चा करें हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का पहले था 14%, 2019 में इसको में प्लस 13% को ऐड किया गया। यहां तक क्लियर हो गया? देखो एक क्लियर हो गया बता दो सर, यहां तक क्लियर? ओके, अब हम अगर इसकी चर्चा करें, ठीक है, आइए चलिए अब अगर इसको जोड़िए कितना हुआ टोटल, सिर्फ पहले इसको जोड़िए कितना हुआ बताइए जल्दी, मैथ्स किसकी तगड़ी है, तेज है। अरे जोड़ो, 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 14, टोटल कितना हुआ? ये हुआ 60। अरे सीधे सीधे यार, क्यों नहीं है भाई, 16 14 कितना 30 हो गया, 30 30 60। अब अगर हम इसको भी जोड़ दो तो कितना हो बेटा, इसको भी जोड़ते कितना हो गया हमारा 73%। यह है रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन, क्लियर? मामला तब गरमाया जब ये 13% को एक्स्ट्रा इसमें डाला गया। तो अब लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि सर ये जो 87 का इससे क्या लेना देना, बड़ा मुद्दा बड़ा खतरनाक है। मुद्दा सिंपल है बेटा, एकदम शॉर्ट कट में समझे, यही जो 13% जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ये 13%, क्लियर हो गया? ये जो 13% एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो है प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, प्रावधिक है, टेम्परेरी, क्या कहेंगे, टेम्परेरी प्रोविजनल। और 87 क्या है, मुख्य चयनित सेलेक्टेड फिक्स मुख्य, क्योंकि 73 है हमारा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम 60 की बात करें, ठीक है, अगर हम 13 को इधर घटा देते बाकी जो हमारी बची कितनी परसेंट, 27% की बात करें अगर हम, तो कितना हो गया हमारा बच के 60 20 80 और 7 87। अब बचा सिर्फ 13%, क्योंकि भाई 27% तो हमने दे दिया किस पर, चला गया किसको, जनरल के लिए, कैटेगरी के लिए चला गया, लेकिन जो 13% बचा वो किसको जाएगा, इस पर फैसला होना है, या कि जनरल को जाएगा या कि ओबीसी को जाएगा। यहां तक समझ आ गया बताइए, आप समझे बात को, क्लियर हो गया था, ये तमाम चीज होगी। अब पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो इस बात को लेकर के है, ये जो 13% जो 2019 में नया गैजेट आया और ओबीसी को 14% पर और 13% बढ़ा दिया गया ओबीसी को, तो जब ओबीसी को बढ़ाया गया तो जनरल कैटेगरी के बच्चों ने कहा कि ये हमारे 13% का हनन है, समझे, जनरल के बच्चों ने कहा ये हमारे 13% का हनन है और हमारे 13% की सीट को निकाल करके आप ओबीसी को दे रहे हैं। ओबीसी की तरफ से सरकार ने कहा कि चूंकि इनकी आबादी ज्यादा है इसलिए इनको 27% दे रहे हैं। मामला चला गया कहां, चैलेंज करने के लिए कहां पर चला गया, कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा भाई बात क्या, मामला क्या है, किसके लिए चैलेंज कर रहे हो, तो जनरल कैटेगरी ने कहा हम इस 13% को एक्स्ट्रा को चैलेंज कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि रुको, इसमें स्टे लगा दिया, हम इस पर चर्चा करेंगे। बीच में सरकार गई, सरकार ने जब याद कर, जब हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया तो पूछा कि क्या हम रिजल्ट जारी करें, तो बोला कि 14% पर तुम रिजल्ट जारी करो, उस पर हमने कोई रोक नहीं है क्योंकि पिटिशनर को उस पर आपत्ति नहीं है। ओके, तो पिटिशनर को आपत्ति किस पर थी, सिर्फ इस 13% पर। अब हुआ मामला यहां से गर्म और यहां से जन्म हुआ, जीएडी ने नया फार्मूला बनाया जिसका नाम हुआ 87-13, मतलब 87% पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब एससी का बच्चा खुश रहे,
ठीक है, एससी को कितना 16% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। एसटी को 20% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब मामला आया कहां पर, जनरल और ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी को 14% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी जो बचा वो किसको मिलेगा, जनरल कैटेगरी को, और उन सभी छात्रों को जो अपनी अपनी कैटेगरी से जनरल के बराबर मार्क्स ले आएंगे उनको मिलेगा। क्लियर, ओके फाइन। मुद्दा यहां पर बचा 13% का, अर्थात जब ये रिजल्ट जारी करेंगे तो 13% पर रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट जारी करेंगे 113% पर। कहो सर ये क्या बात है। हां जी, रिजल्ट जारी कितने परसेंट का होगा, 113% पर। रिजर्वेशन टोटल कितना सबको मिला के 100% का, रिजल्ट कितने पे आएगा, 113 पर। बोलेगा सर ये क्या बात हुई, ये तो नया ड्रामा इसने रच दिया। हाँ सुनो कैसे होगा, सुनो, क्योंकि 87 पर तो सिलेक्शन हो गया सबका, जिनका जिनका नाम 87 पे आएगा आप पर कोई आपत्ति आनी ही नहीं है, आपको कोई आँच आनी ही नहीं है, आँच आएगी उस 13% पर, क्योंकि 13% रिजल्ट जारी होगा ओबीसी का और 13% रिजल्ट जारी होगा जनरल कैटेगरी का। वहां भी जारी होगा, वहां भी जारी होगा, लेकिन ये जो 13% है ये रहेगा अधीन कोर्ट के। अब मान लो अगर हाई कोर्ट में ओबीसी कैटेगरी केस को जीत जाती है, सरकार केस को जीत जाती है, तो ये जो 13% बच्चे जो चयनित लिए थे ये हो जाएंगे बाहर, डिलीट। तो कितना हुआ, 87 था, ये 13 क्या हो गया, 100। ओके, अब मान लो ओबीसी केस हार जाती है तो ये डिलीट हो जाएंगे, तो ये चयनित बचेंगे, तो भी हुआ 87 + 13 = 100। इसलिए इस चीज को, लॉजिक को आप अच्छे समझेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं क्लियर बताना फिर से। बताइए बताइए, क्लियर हो गया ना। मतलब सरकार क्या की है, 87% और 13% में जो कुछ ऐसे बच्चे यूआर और ओबीसी, इसके लिए दोनों लड़ेंगे, 13% इनका रिजर्वेशन, 13% इनका, तो ये जो बच्चे हैं इनका रहेगा प्रोविजन। क्लियर हो गया, अगर एक डिलीट होता है, ये डिलीट होता है तो भी 100 बनता है, ये डिलीट होता है तो भी 100 बनता है। सरकार सेफ साइड से चल के आगे को रिजल्ट को जारी करना चाह रही, ठीक है। ये हो गए हमारे सबसे पहला फायदा, ये नंबर वन कि हमारा रिजल्ट आएगा, फायदा नंबर वन क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, चयन होगा, लोग जाएंगे नियुक्ति के लिए। क्लियर, ये होगा रिजल्ट। घाटा क्या है इसका, नुकसान क्या है इसका, समझना, नुकसान क्या है इसका 87-13 का, अब समझना। 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम है और 100 नंबर का फिजिकल, सुनना बात को अच्छे से, 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम है, 100 नंबर का फिजिकल। अब जिसके मार्क्स अच्छे हैं, गुड हैं, और उसका नंबर 87% में है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। समस्या उस बच्चे को है कि रिटर्न में कम मार्क्स थे तो बिचारे को कितने दे दिए, 13 में होल्ड कर दिए उसको, सुनना अच्छे से, और रिटर्न फिजिकल उसके अच्छे मार्क्स आए तो भी वो 13 में ही रहेगा, दिस इज अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गया, कुछ समझ में आया बात को, समझे। एक बार रिजल्ट, भाई रिजल्ट तो बनाएंगे ना, दोनों चरण का अलग अलग बनाएंगे, तो पहले चरण का जब रिजल्ट जारी होगा, जब 7 गुना बच्चे निकाले जाएंगे, जब 7 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, तो उन 7 गुना बच्चों में 13% अतिरिक्त बच्चे रहेंगे, किसका, 13% ओबीसी और 13% जनरल। अब वो 13% ओबीसी 13% जनरल, अब रिटर्न के एग्जाम में आपके मार्क्स अगर कम आए तो ये जो गणित है ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच, ये हमारा 87 और 13% का फॉर्मूला, इसको दिमाग पे रखिएगा अच्छे से, ठीक है। 87-13 समझ गए होंगे आप लोग कि 13% जो है यूआर और 13% जो है ओबीसी का
ये फाइनल लिस्ट नहीं रहेगी, इसमें जिन बच्चों का नाम आएगा प्रोविजनल रहेगा, अधीन रहेगा हाई कोर्ट के उसमें, ठीक है। और हो सकता है इनको नियुक्ति भी ना दी जाए, हो सकता है इनको होल्ड पे रखा जाए, नियुक्ति ना दी जाए इनको, जिनका नाम इसमें आया हो सकता है नियुक्ति ना दी जाए, क्योंकि नियुक्ति अगर दे दी जाएगी दिक्कत आएगी। नियुक्ति पहले किसको दी जाएगी, 87% लोगों को नियुक्ति दी जाए, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। सरकार है वो करेगी, क्योंकि सरकार को पता है कि वहां पर कहीं कहीं चीजें डगमगाई हुई हैं। एक और चीज, क्या जनरल कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी जा सकता है? सुनो पहली बात, तो देखो जनरल कोई रिजर्व चीज है नहीं, यू आर ओपन कहलाता है, ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए। अब मान लीजिए जनरल की कट ऑफ बनाई गई मान लो 80 नंबर, एग्जांपल। अब कोई ओबीसी का बच्चा है जिसके नंबर आए 80 या 81 तो कहां चला जाएगा, जनरल में। कोई एससी का बच्चा इसके 80 ऐसे हो चल जाएगा जनरल में, कोई एसटी का बच्चा चल जाएगा जनरल में। क्लियर कट, समझे बात ना? मतलब आप ये समझें कि आपका जो माइग्रेशन है अपनी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में, वो बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती, ओपन कैटेगरी, वो ओपन है, ओपन फॉर ऑल। उस पे कोई भी व्यक्ति जो जनरल के बराबर मार्क्स लाएगा उसमें जंप कर जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये होता है हमारा चीजें। दूसरी चीज, दो प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं हमारा, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में हमारा क्या क्या आता है, जैसे आ गया हमने सामान रख लिया, हम रख लिया ओबीसी, रख लिया हमने एससी, रख लिया हमने एसटी, रख लिया हमने ईडब्ल्यूएस, रख लिया। अब समझने बात को, तो ये रिजर्वेशन हमारा कहलाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल का मतलब है कि जैसे मान लो सामान्य है ओबीसी है, एससी एसटी है, ठीक। तो अगर ओबीसी के मार्क्स सामान्य के मार्क्स से बराबर ज्यादा आते तो इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा और ये भी इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन एससी वाला व्यक्ति ओबीसी में नहीं जा सकता, एससी वाला एसटी में नहीं जा सकता, ये इसमें नहीं जा सकता, ठीक। यूआर वाला इधर नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल कैटेगरी में जो सामान्य कैटेगरी के बराबर मार्क्स, मान लीजिए 80 नंबर है, उसकी कट ऑफ 80 जाती है, तो उस 80 नंबर जितने भी इस कैटेगरी वाले लोग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्टिकल, जिसे हम कहते हैं सोशल कास्ट के बेस पर हमारा जो है ये मिलता रिजर्वेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो इंटरलॉक होता है। इंटरलॉक का मतलब होता है अपनी अपनी कैटेगरी में एडजस्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है 10 है और महिलाओं के लिए 33% है। तो इसका नियम ऐसा कहता है कि मान लीजिए अगर यू आर कैटेगरी के टोटल 100 सीट है और रिजर्वेशन कितना है 33%, तो महिला जो होगी 33 महिलाएं होना कंपलसरी इसमें, रूल ये कहता है। और अगर वो ऑटोमेटिक बिना हॉरिजॉन्टल अप्लाई किए अगर 33 आ गई तो उनको अलग से कट ऑफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आई तो फिर हम एक नीचे कुत्ते लड़कों को कट करेंगे उस कैटेगरी के, ऐसे ही 33, जैसे इसमें हमारा ओबीसी इसे 33 आएगा, इसे 33 आएगा, इसमें 33, मतलब हर कैटेगरी में वो 33% लड़कियां घुसेंगी अपनी अपनी कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में नहीं जाएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी 33% लड़कियां घुसेंगी। क्लियर हो गया? मतलब जैसे 100 सीट अगर ओबीसी की है तो 100 सीट में 33 लड़कियां होना कंपलसरी है, उसमें 10 एक्समैन होना कंपलसरी है। ऐसे ही एससी में अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 33 लड़कियां कंपलसरी हैं। अगर नॉर्मली ही मार्क्स लेके आ जाती हैं ठीक है 33, और नहीं आ पाती तो उनके लिए उतने मार्क्स को कम करेंगे, उतने लड़कों को हटाएंगे और उतनी लड़कियों को एडजस्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। और इंटरलॉक होता है, मतलब वर्टिकल के साथ ही हॉरिजॉन्टल चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम हॉरिजॉन्टल को अलग कर दें वर्टिकल को, यही किया है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती में कि हॉरिजॉन्टल को अलग कर दिया वर्टिकल अलग कर दिया, और उसको सिद्ध करने के लिए 2023 की भर्ती में फिर से कर दिया हॉरिजॉन्टल अलग कर दिया वर्टिकल अलग कर दिया, लड़कियों के लिए समस्या, ठीक है। यह था हमारे लिए। सर